जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत की राजधानी दिल्ली से। और अभी मैं खड़ा हूँ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर और आज की इस वीडियो में इसी रेलवे स्टेशन को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एक्सप्लोर करेंगे। कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या कुछ हलचल चल रही है और मौसम ऐसे बहुत खूबसूरत है, यहाँ का बहुत प्यारा मौसम है। सोचा था मैंने ये इंटरव्यू में बनाऊंगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 16 की तरफ के बाहर का, सो दैट आपको व्यू अच्छा मिलेगा, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाहर आना पॉसिबल नहीं। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ नज़ारा, जो इसे अजमेर गेट वाला गेट कहते हैं। और बारिश हो रही, गजब की मौसम देख रहे हो, कितना प्यारा मौसम है। अभी हुए शाम के 3:32, देखो सारी टैक्सियाँ लग रही हैं। और इधर की तरफ देखो, मैं हूँ अभी स्काई वे पे, देखो कितनी सारी टैक्सियाँ आ रही हैं, देख रहे हो 1, 2, 3, 4 चौथी लेन में टैक्सियाँ आ रही हैं। यहाँ पर इसलिए कोई पब्लिक नहीं दिख रहा क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़। मोबाइल फ़ोन में हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। अंदर प्लेटफॉर्म तरफ आप देखेंगे ना, अंदर लोग ही देखो घुस घुस के बैठे हैं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो भीग जाएंगे। इस बोर्ड में आपको सारी डिटेल मिलेंगी 16 से एक तरफ जाने के लिए, और 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आपको क्या कुछ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर है स्कैनिंग सेंटर, यहाँ पर आप स्कैन करते अपने सामान को, लगेज को, उसके बाद ही आप अंदर जा पाएंगे प्लेटफॉर्म के अंदर। अंदर तरफ आप देखें न्यू दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन नंबर 12524, यहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है। और इधर देख रहे हो भीड़ कितनी ज़्यादा है, देखो देखो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ का भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। और सामने लगी है न्यू दिल्ली टू डिब्रूगढ़ राजधानी, इसकी यात्रा अगर आपको देखना तो ऑलरेडी चैनल पर इसकी यात्रा हुई है, आप उसको देख पाएंगे। एक नंबर की ट्रेन है, VIP ट्रेन है, इसकी गिनती होती है। देखो इतनी पब्लिक प्लेटफॉर्म के अंदर बैठे हुए हैं, अपनी ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आप सोचो इतनी भीड़ कैसे मैनेज हो सकती है, जबकि कोई फेस्टिवल नहीं चल रहा है, कोई शादी का सीज़न नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी हाल है। और इधर आप देख पा रहे हैं लगी हुई है डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर अभी हम। चलो अब चलेंगे हम दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ एक्सीलेटर की मदद से। यहाँ पर लगे एक्सीलेटर से काफ़ी सुविधाएँ मिल जाती है, देखो लगा एक्सीलेटर, इसमें आपको सिर्फ कदम रखना है और आपको अपने गंतव्य तक ये पहुँचा देगा। देखो बारिश कितनी गजब की हो रही है, मौसम देखो ऊपर कितना खूबसूरत मौसम हुआ पड़ा है, और इसी मौसम का मज़ा ले रहे कई सारे लोग, यात्री सारे खड़े हुए हैं बारिश से बचे हुए। इतनी भीड़ देख के ना बांग्लादेश से आ जाता है, बांग्लादेश की ट्रेन जर्नी अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इतनी भीड़ होती है ट्रेनों में कि लोग ट्रेनों के ऊपर चढ़ चढ़ के यात्रा करते हैं, वैसा वाला कुछ फील आ रहा है यहाँ पे। आज इधर हो रहा है सियालदह राजधानी का इंडिकेशन, चलो चल कर देखते हैं। एस्केलेटर की मदद से हम चलेंगे नीचे की तरफ और देखते हैं इस प्लेटफॉर्म का क्या हाल है। भाई साहब भीड़ तो ऐसी हो रखी है जैसे लग रहा है कि होली दिवाली या छठ वाला हाल हो, गजब। ये ट्रेनों का हालत, इतनी मर्जी ट्रेनें चल रही हैं, जितनी मर्जी ट्रेनें चली जाएं भीड़ कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही, देख रहे हो इतनी सारी भीड़। इधर खड़ी है सियालदह राजधानी और इधर खड़ी है समर स्पेशल ट्रेन 03483 जो BGP to NDLS के बीच चलती है। बारिश देख रहे हो, घड़ी में हो गया 16:19 और प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, क्यों, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज, मानसून भी आया हुआ है और कुछ लोगों के लिए नया उपहार भी है। चलो अब चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, सीढ़ी पर बैठना गैर कानूनी है, आपका चालान भी हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत बैठना। देख रहे हो भाई साहब ये स्थिति है, इतने बड़े बड़े लगेज लेकर लोग जाते हैं जिनकी वजह से ट्रेनों में दूसरे यात्रियों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। देखो ट्रेनें तो बहुत सारी है, लेकिन असल में अगर आपको ट्रेन का मज़ा लेना है ना, इस ट्रेन की जर्नी करो। देखो ये भी राजधानी है, लेकिन ये राजधानी सारी राजधानियों से बिल्कुल अलग है। एक तरफ VVIP ट्रेन और एक तरफ ये वाली ट्रेन, ज़मीन और आसमान का जो अंतर होता है ना, वो एग्जैक्टली आप एक फ्रेम में देख पा रहे हो, ज़मीन आसमान, प्राइस वाइज भी, ट्रैवलिंग वाइज भी, कंफर्टेबल वाइज भी, हर चीज़ वाइज। ये गाड़ी चलती है भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली टू भुवनेश्वर के बीच, और कोच है थर्ड एसी का, लेकिन उसके बाद भी इतना कंफर्टेबल होता है ना, बाकी ट्रेनों का सेकंड एसी कोच जो है फेल है इसके आगे। जैसे वंदे भारत के डोर होते हैं ऑटोमेटिक, वैसे इसके भी डोर हैं, ये ऑटोमेटिक डोर क्लोज होते हैं। चलो अब चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ, फुट ओवरब्रिज पर संभाल गया ना, यहाँ पर कुछ आई थिंक टूटा हुआ या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो भी हो फिलहाल ध्यान रखना आपको यहाँ पर।
यह प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 में जाने का रास्ता, और अब हम चलते हैं इधर, आपको दिखाते हैं क्या कुछ है। यह बढ़िया चीज़ है यार, सारे प्लेटफॉर्म पर लगा दिया है ना, मस्त है। आपके पास बड़ा लगेज हो, बूढ़े हो आपके साथ, बच्चे हो, उनके लिए बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आप लेडीज़ हो तो साड़ी या सूट जो भी आपके ढीले का वस्त्र है ना, उनको ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर ये जब राउंड करता है ना, हमें फंसने का चांस रहता है। तो जब भी इसको क्रॉस करें ध्यान से। इधर देखिए मालडा टाउन डेली पॉन्डिचेरी बिल्कुल खाली है, आई थिंक अभी आई होगी, इसको जाने में टाइम होगा जो भी हो। और इधर का प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली, इस पर शायद अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, इस वजह से ये खाली पड़ा है। बाकी यहाँ के सारे प्लेटफॉर्म पर आपको बुक्स और टी स्टॉल, फूड कोर्ट, ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो आप कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं लेकर। भाई एक बात ज़रूर ध्यान रखना, कि हर चीज़ का आपको बिल ज़रूर लेना है, बिल नहीं तो पे नहीं, ध्यान रखना। कचरा इसमें ही डालें, बाहर इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। चलो अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जो कि हर रेलवे स्टेशन का मेन प्लेटफॉर्म होता है। सामने जो वॉशरूम आप देख पा रहे ना, ऐसे लगभग प्लेटफॉर्म पर वॉशरूम बने हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जितने भी प्लेटफॉर्म पर वॉशरूम बने ना, सारे पेड हैं। जबकि छोटे मोटे रेलवे स्टेशन पर जो भी वॉशरूम्स होते हैं वो फ्री टू यूज़ होते हैं, बट ये पे टू यूज़ है। सामने लग रही राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और VIP ट्रेन है, इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू डाला हुआ है, फर्स्ट AC कोच का। अगर आपको देखना है तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। जिधर से लोकोमोटिव आ रहा है ना सामने की तरफ से, वो है न्यू दिल्ली का यार्ड सेक्शन, वहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वॉशिंग सेंटर भी आप बोल सकते हो, कि वहीं पर गाड़ियों की साफ सफाई वगैरह होती है। और ये डीजल लोकोमोटिव जा रहा है प्लेटफॉर्म पर, आई थिंक किसी गाड़ी को खींचने के लिए जा रहा होगा या फिर लगने के लिए। अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, चले चलते हैं सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की तरफ और धीरे धीरे करके हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। देखो कितने सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं, इधर भी और उधर भी। इस सोलर पैनल की वजह से ना बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बचती है, और इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना होता है। बारिश देखो वहाँ पर, उधर देखो पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है। चलो कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट करके बताओ कि भारत का कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि पूरा सोलर सेल पर डिपेंडेंट है। यह प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की तरफ जाने का रास्ता। चलो इधर चल कर देखते हैं कौन सी गाड़ी खड़ी है, ऐसे कुछ चलते हैं हम लोग। यह प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5, 5 नंबर पर खड़ी है मुंबई अमृतसर, और 4 नंबर अभी खाली है, जो आप राजधानी देख पा रहे हैं ये खड़ी है 3 नंबर पर। अभी आगे चलकर दिखाऊंगा आपको, ये मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी, ध्यान से पढ़ लो इसको। 500 से 5000 रुपये तक आपको जुर्माना हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है नियम तो बहुत ध्यान से पढ़ो। चलो आपको दिखाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ मिलता है आपको। यहाँ पर आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा, पीने के लिए पानी वगैरह मिल जाएंगे, ठंडे पानी या फिर गर्म जो भी लेना चाहो। रेल लाइन मिलता है, सबसे अच्छी बात, खाने के लिए चीज़ें आपको मिल पाएंगी, स्नैक्स वगैरह मिल पाएगा, सीटिंग एरिया मिलेगा आपको बैठने के लिए, और भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं। बहुत जल्द हम ना इस वाली ट्रेन की जर्नी करने वाले हैं, इस राजधानी की जर्नी करेंगे और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वैसे एक जर्नी मैंने किया था, उसका वीडियो नहीं बना पाया, इस बार करेंगे तो वीडियो शूट करेंगे और आपको उसका रिव्यू देंगे। ऊपर जाने के लिए हमें लगा इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये बंद है स्टॉप, और ये इतना बड़ा दुख हो जाता है कि जितना आम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ना, उससे ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास आपको कराता है ये नज़ारा। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, और उसी के साथ खूबसूरत सी ट्रेन और खूबसूरत ट्रेन का खूबसूरत सा कोच, क्योंकि ये फर्स्ट AC का कोच तेजस राजधानी का, मुंबई टू न्यू दिल्ली के बीच चलने वाली। भारी बारिश में मुंबई अमृतसर छूट चुकी है, देखो तो भाई दौड़ के चढ़ रहा है। चलो अब चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ। ये प्लेटफॉर्म ये ले जाएगा आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ इधर से, तो चलो इसको भी कवर करते हैं। अच्छी बात ये है कि हर एक प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट लग गई है, तो आप लिफ्ट का भी आनंद उठा सकते हैं अगर आपके पास बड़े लगेज वगैरह हैं। सोचो अगर सिर्फ सीढ़ी होती इस पर तो ये लगेज कैसे जाता, खटाखट खटाखट खटाखट। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी है बरेली टू रोहतक के बीच चलने वाली, और इधर वही गाड़ी मुंबई टू न्यू दिल्ली तेजस राजधानी, और राजधानी की है H1 क्लास, जिसे फर्स्ट AC कोच भी कहा जाता है। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्या कुछ मिलता है, देखो फूड कोर्ट आपको यहाँ भी मिल जाएगा, बेसिक नीड्स जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखा जो आपको दिखाना चाहिए। चलो पास में दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर सैनिटरी पैड्स हैं जो लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बॉक्स देख पा रहे हो ये ऐसे ना हर जगह होने चाहिए, और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ हर प्लेटफॉर्म पर मेडिसिन की भी शॉप होनी चाहिए। यह नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, ये भी बहुत बिजी प्लेटफॉर्म है, देख रहे हो
मुंबई वाले रूट की ट्रेनें ज़्यादातर यहीं से चलती हैं, ये से 5:20 तक चलती हैं, और यूपी बिहार बंगाल की ट्रेनों को ज़्यादातर प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ शिफ्ट किया गया है, मतलब 13, 14, 15, 16 की तरफ। चलो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ और आपको एक तरफ दिखाते हैं क्या कुछ है। देखो यहाँ पर दो गेट है, एक अजमेरी गेट एक पहाड़गंज। पहाड़गंज वाला जो एरिया है ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ है, अजमेरी गेट वाला जो एरिया है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ। तो अभी हम चले पहाड़गंज की तरफ, यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर लगी है कालका शताब्दी। चलो नीचे चलकर आपको दिखाता हूँ। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर आपकी सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 सहायता इंक्वायरी इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो और सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि आपको किधर जाना चाहिए, किस हेल्प के लिए। देख रहे अगर आपको एग्जिट करना है तो सीधे ही नीचे की तरफ से रास्ता है, ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ से और आप सीधे जाके एग्जिट कर पाएंगे। देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ को नज़ारा कुछ ऐसा है, बिल्कुल 16 वाला हाल है, उससे भी कहीं ज़्यादा बिजी। वैसे एक नंबर पर गाड़ी भी लगी नहीं है, लगने वाली है, उसका अनाउंसमेंट हो रहा है, आने वाली है। देखो यह है शयनयान श्रेणी, जिसे स्लीपर क्लास वेटिंग रूम भी कहा जाता है। तो यहाँ भी अगर आप गाड़ी का प्रतीक्षा करना चाहें अपनी, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, अपनी गाड़ी का प्रतीक्षा कर सकते हैं। वॉशरूम वगैरह यहाँ पर इधर की तरफ है। वेटिंग रूम वगैरह अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से काउंटर से आप बुक करा पाएंगे, और बाकी अगर आप चाहें इन सीटों पर बैठ कर अपनी गाड़ी का वेट करना तो भी आप कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। क्लॉक रूम अगर आप चाहते हैं, जिसे अमानती सामान घर कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि बहुत सस्ता रेट होता है इनका। तो आप जाकर बड़े आराम से सामान रखकर फ्री होकर पूरी दिल्ली दर्शन कर पाएंगे। अल्पाहार गृह, स्नैक्स बार, अगर आप स्नैक्स वगैरह लेना चाहें तो आप यहाँ पर ले पाएंगे। इधर से एंट्री नहीं है, ध्यान रखना, प्रवेश निषेध है। बाकी ऐसा कुछ भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस, जो न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच चलती है। पूरी एडवर्टाइजमेंट से पैक है, देख रहे हो पूरे कोचेज में एडवर्टाइजमेंट भरे पड़े हैं स्टार्ट से एंड तक आपको, और वो भी आई थिंक गवर्नमेंट ऐड होंगे शायद। शताब्दी एक्सप्रेस C1 चंडीगढ़ टू न्यू दिल्ली 12046 और 45 ट्रेन नंबर। इधर लग रहा कोई डीजल का लोकोमोटिव। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ना फूड कैटरिंग वाले हैं, आई थिंक यहीं से सामान वगैरह लोड होता होगा शायद। RPF का थाना भी यहीं पर है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जब आप बढ़ रहे होंगे एंड की तरफ, लास्ट की तरफ, जिधर आपको मैंने दिखाया था जहाँ पे ट्रेन सर्विस वगैरह होती है उधर की तरफ। देखो ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का जनरल कोच, देख रहे हो भाई साहब, जनरल का बुरा हाल है, जो नई दिल्ली से राजेंद्र नगर के बीच चलती है, देख लो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो से, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।